वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस लेसन नंबर 4, एडमिशन ऑफ पार्टनर, टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपने क्या पढ़ा था? देखिए स्टूडेंट्स, आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के मैंने तीनों कंसेप्ट के बारे में आपको क्लैरिफाइड किया था। कंसेप्ट फर्स्ट क्या था? प्राइवेटली जिसकी कोई एंट्री नहीं होगी। सेकंड, ब्रॉट इन कैश की मात्र 3 एंट्रीज होती हैं एंड नॉट ब्रॉट इन कैश की ओनली 1 एंट्रीज होती हैं। लेकिन एक बात मैंने बताई थी, अगर तीनों कंसेप्ट हैं और बैलेंस शीट में पुरानी में अगर गुडविल पहले गिवन है तो उस गुडविल को हर हाल में आपको राइट ऑफ करना होगा। वर्ड है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट ओल्ड पार्टनर एंड द मे बी राइट ऑफ इन द ओल्ड रेशियो। ओके, इट इज दैट क्लियर। आज हम और इलस्ट्रेशन लेके चलेंगे जो आपको क्लैरिफाइड करेंगे, जो ब्रॉट इन कैश के भी होंगे, नॉट ब्रॉट इन कैश के भी होंगे। आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे कंसेप्ट। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बार बार कह रखा है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, चलो आज हम और इलस्ट्रेशन लेकर आपको अच्छी तरह क्लैरिफाइड करते हैं, जिसके अंदर आप देखिए, अगर आपको अच्छी एंट्रीज आपको अच्छी तरह आती हैं, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, बेस मैंने आपको बता रखा है, एंट्रीज को आपने कैसे समझना है और उस एंट्री को आधार क्या है। ओके, चलो आज हम एक और इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर हेयर इज द 40। इलस्ट्रेशन नंबर 40। ओके, देखिए इलस्ट्रेशन 40 क्या है। एक्स वाई पार्टनर हैं और उनका जो रेशियो है वो रेशियो है 5:3, 5:3, 5:8 एंड 3:8। उन्होंने क्या किया, जेड को पार्टनर बनाया और नया रेशियो होगा एक्स वाई जेड का 4:3 and 2। आप कह सकते हैं 4:9, 3:9 एंड 2:9। इट दैट क्लियर। दिस इज ओल्ड रेशियो, दिस इज योर न्यू रेशियो। अगर सेक्रीफाइस निकालना है तो 5:8 माइनस 4:9, 3:8/3:9। ओके, वेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, नोट, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो माना जाता है। लेकिन इसमें तो गिवन है तो ओल्ड में से न्यू घटाकर हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो में। इज दैट क्लियर। तो देखिए, सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आगे क्या है सवाल में देखिए, 1,00,000 रुपये लेकर आ रहा है इन कैश इज शेयर ऑफ द कैपिटल। 1,00,000 रुपये पूंजी का लेकर आ रहा है जेड। हम बार बार कह रहे हैं कैपिटल को हाथ नहीं लगा सकता, तो फिर गुडविल अमाउंट क्या है? गुडविल के जो अमाउंट है, पहले कहते पुस्तक में ऑलरेडी 2,40,000 रुपये दिखा रखे हैं, तो 2,40 किस में राइट ऑफ होंगे, एक्स और वाई में होंगे। और राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी, चलो एंट्री करते हैं हम। राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 2,40,000। कैसे राइट ऑफ, 5:8, 3:8, 1,50,000 और 90,000 रुपये। दिस इज योर फर्स्ट एंट्री इन द राइट ऑफ। जेड 1,00,000 रुपये कैपिटल ला रहा है, तो जब कैपिटल लेके आ रहा है 1,00,000, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 1,00,000। इज दैट क्लियर। आप गुडविल की देखेंगे, क्या गुडविल जो नगद लेकर आ रहा है, नहीं लेकर आ रहा है, तो आप क्या कहते हैं, हम उसका करंट अकाउंट ओपन करेंगे। और करंट अकाउंट किसका होगा, जेड का होगा, क्योंकि जेड क्या है, नया पार्टनर है। कहते हैं कि फर्म की जो गुडविल है वो है 2,40,000। फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है, 1,80,000। 1,80,000 में जेड अपना शेयर देगा 2:9, 9 दुनी 18 इज 40,000।
ये 40,000 रुपये लाने में असमर्थ है जेड, असमर्थ है तो क्या खोल देंगे, जेड्स करंट अकाउंट, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू किसको देना है, एक्स कैपिटल एंड वाइज कैपिटल। बताइए स्टूडेंट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन सैक्रिफाइस रेशियो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सैक्रिफाइस रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आ रहा है, इसमें से मैंने कहा 5/8 माइनस 4/9, 3/8 माइनस 3/9, हमारा ये आया 13:3, 13/16, 3/16, ये कितना है हमारा 40,000। 40,000 का 13/16 और 3/16 32,500 और 7,500। इन दैट क्लियर, आई होप दैट आपको 14th क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, जो किस टॉपिक का था, नॉट ब्रॉट इन कैश, वो पैसे लाने में असमर्थ था, अयोग्य था। ओके, दिस इज द 14th क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट, इलेक्शन नंबर 41 इलेक्शन में क्या गिवन है देखिए प्लीज। इलेक्शन नंबर 41 दे रखा है, जॉर्ज और हेनरी दो पार्टनर हैं, जॉर्ज एंड हेनरी, और उनका रेशियो क्या है, जॉर्ज और हेनरी का जो रेशियो है वो 3:2 है, यू कैन से 3/5 एंड 2/5। ओके, तो 3/5 जॉर्ज का रेशियो क्या है, 3/5, हेनरी का रेशियो कितना है, 2/5, इज दैट क्लियर। तो 3/5 और 2/5 उनका रेशियो है, तो आपने कैसे करना है प्लीज देखिए, यहां पर इन्होंने कहा कि डेविड को पार्टनर बनाया और कहता है अब जॉर्ज हेनरी डेविड का जो रेशियो होगा इक्वली होगा 1/3, 1/3 एंड 1/3, इज दैट क्लियर। दिस इज योर ओल्ड रेशियो, दिस इज योर न्यू रेशियो, इज दैट क्लियर। तो डेविड क्या ला रहा है, 50,000 रुपए कैपिटल के लिए क्या ला रहा है, तो कैपिटल को तो सिंपली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डेविड कैपिटल, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50,000 रुपए वो लेके आ रहा है, 50,000 रुपए की एंट्री होगी। अब आगे क्या कहता है कि पहले गुडविल फर्म की जो दे रखी है वो 60,000 रुपए दे रखी है पुस्तक में, तो आपने क्या करना है, 60,000 रुपए जो वैल्यू दे रखी है गुडविल इज फर्म वैल्यूड कितना है, 60,000। फर्म की गुडविल 60,000, सवाल साइलेंट है, कुछ नहीं पता, डेविड पैसे नहीं ला पा रहा है, तो नोट करना 60,000 का 1/3, डेविड अपना कितना हिस्सा लाता नगद, 20,000, वो अनेबल है, अनेबल है तो व्हाट मेक जनरल एंट्री, आपने क्या करना है, डेविड का करंट अकाउंट खोल देना है, डेविड करंट अकाउंट डेबिट टू किसको देना है, जॉर्ज को और हेनरी को, किस रेशो में, सैक्रिफाइस में, ओल्ड जानते 3/5 / 1/3, 2/5 / 1/3, आपका सैक्रिफाइस रेशो क्या आ रहा है, सैक्रिफाइस रेशो है 4:1, 4/5 and 1/5, 20,000 का 4/5, तो 20,000 रुपये ये देगा तो 16,000 रुपये इसके खाते में चले जाएंगे, 4,000 इसके में, ठीक है मिले नहीं लेकिन देगा तो सही, जब देगा तो करंट अकाउंट राइट ऑफ हो जाएगा। ओके, दिस इज द कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, पहला ए पॉइंट जो दे रखा था उसमें ये एंट्री है, रिपीट अगेन, जॉर्ज का रेशो 3/5, हेनरी का 2/5, डेविड को शामिल किया कितने भाग के लिए, 1/3 के लिए, जॉर्ज हेनरी डेविड का जो रेशो होगा वो क्या होगा, 1/3, 1/3 एंड 1/3। ओके, 50,000 रुपए लेकर आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेविड कैपिटल 50,000। ओके, डेविड करंट अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज एंड हेनरी इन सैक्रिफाइस रेशियो 60,000 का 1/3 is 20,000, इज दैट क्लियर, आपको समझ में आएगा। चलो बी कंसेप्ट क्या कहते हैं, पहली एंट्री तो सारे में होगी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू,
अब बी में क्या है, अगर गुडविल अपीयर्स 50,000 पहले ही दे रखी है तो भाई ये एंट्री तो होनी है, तो बी केस में क्या है, गुडविल को राइट ऑफ करना है, और राइट ऑफ किस में होगा, जॉर्ज और हेनरी में, जॉर्ज डेबिट हेनरी डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट, 50,000 रुपये को राइट ऑफ करने हैं 30,000 एंड 20,000, इज दैट क्लियर, केवल वन एंट्री और किसकी है, राइट ऑफ की एंट्री है। नेक्स्ट, गुडविल अगर पहले ही कितनी दे रखी है, 1,00,000, कुछ नहीं अमाउंट चेंज हो जाएगा, गुडविल वही 1,00,000, 3/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000 एंड 40,000, इज दैट क्लियर। आई होप दैट आपको 41 इलस्ट्रेशन भी बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 43। 43 इलस्ट्रेशन में क्या है, देखिए ए बी पार्टनर हैं, रेशो क्या है 3:2, तो यू कैन से 3/5 एंड 2/5, उन्होंने किसको पार्टनर बनाया, सी को बनाया, कितने भाग के लिए बनाया, 1/4 के लिए, सी विल गेट हिज शेयर 1/6 फ्रॉम ए, नोट करना 1/6 ए से लिया, और 1/12 किस से लिया, बी से लिया, दोनों का जोड़ करके देखो 2+1/12 3/12, 3/12 का मतलब 1/4, दिस इज डायरेक्टेड, ओके। तो हम अगर न्यू रेशियो भी निकालेंगे तो 3/5 -1/6 2/5 इसका सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, अरे सैक्रिफाइस रेशियो तो आ गया 2:1, कैसे आया, अरे 1/6 और 1/12 ये तो सैक्रिफाइस किया है, 12 LCM 2:1, दिस इज योर सैक्रिफाइस रेशियो, ओके क्लियर हो गए यहाँ तक। अब देखियो क्या लेकर आ रहा है, वो 50,000 रुपये गुडविल के लेकर आ रहा है, कितने में से, 90 में, देखो आउट ऑफ वाला क्वेश्चन है ये नया, गुडविल 90,000 रुपये लेके आ नीति सी को, 50,000 रुपये क्या लेकर आ रहा है, कैश, तो फिर कितने नहीं ला रहा, 40,000, इसमें दोनों कंसेप्ट आ गए, ब्रोट इन कैश का भी और नॉट ब्रोट इन कैश का भी, ओके आ रहा है समझ में आपको अच्छी तरह से, तो जो आ रहा है वो पैसा लिख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना रुपए आया, 50,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किसको देते हैं, बताइए बताइए, एक और बी को देते हैं, 50 तो ये देने, और सी का करंट अकाउंट खोल देंगे, क्योंकि ये पैसा भी किसको देना है, ए और बी को, 40,000 रुपये, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में, 90,000 को जब बांटेंगे 2/3 और 1/3 में, तो कितना आ जाएगा, 60,000 और 30,000। आई होप दैट आई रिपीट अगेन क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चंस को मैंने कहा बार बार, रीड क्वेश्चन थ्रोली, ध्यान से सवाल को पढ़िए पहले, आपका सवाल माइंड में अपने आप ही सेट हो जाएगा। सवाल सीधा है, ए बी पार्टनर 3/5 एंड 2/5, सी एडमिट 1/4, सी को शामिल किया, सी ने जो हिस्सा लिया ए से 1/6 लिया, बी से 1/12 लिया, तो ए और बी ने दिया कितना, 2:1 में दिया, ये सैक्रिफाइस है इसका जो मिला सी को, 90,000 रुपये गुडविल के अमाउंट थे, जिसमें से 50,000 आ रहे हैं नकद आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 40,000 रुपये अभी नहीं आए हैं, तो उसके लिए आपने करंट अकाउंट खोल दिया, सीज करंट अकाउंट डेबिट, दोनों अमाउंट किसको दिया जाएगा, 2/3 एंड 1/3 आल्सो मे बी ट्रांसफर्ड। चलो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, और फिर उसके बाद आपका होमवर्क दिया जाएगा, एक क्वेश्चन और देखिए, इलेक्शन नंबर 44, बहुत ही सिंपली क्वेश्चन है, ए बी पार्टनर रेशियो क्या है उसका, इक्वली, बहुत ही ईजियर है, 1/2 एंड 1/2, सी शामिल हुआ कितने, सी पेइंग 60,000 प्रीमियम, वो आउट ऑफ शेयर एकदम वाले, 1,08,000 रुपये बन रहे थे गुडविल के,
जिसमें से सी ने कितना दिया, 60,000 रुपये नगद आ रहे हैं, 48,000 उसने अभी नहीं दिया है। ये बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फोर, और इसके लिए खोल देंगे करंट अकाउंट, वेरी इजर। और पहले अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है बुक के अंदर, कितनी दिखा रखी है गुडविल, दिखा रखी है 3,00,000 रुपये की। सबसे पहले 3,00,000 को राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ध्यान देना 3,00,000 रुपये गुडविल ऑलरेडी थी, राइट ऑफ कर दी, रेशो 1:1 ओल्ड रेशो, 1,50,000 रुपये 1,50,000 रुपये। सवाल बहुत इजी हो गया है, नया रेशो दे नहीं रखा था, ओल्ड रेशो ही क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशो होगा। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ द न्यू रेशो, नोट क्यों नहीं, तो क्वेश्चन ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो होगा। तो देखो अब एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना रुपया आ रहा है बताओ, 60,000। ये 60,000 किसका है सर, ए और बी का है, 60,000 ए और बी का। सी का करंट अकाउंट कितने से खुलेगा सर, 48,000 से। तो देखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट आल्सो डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। 60,000 रुपये नगद लाया, 48,000 क्या है करंट अकाउंट खोल के नहीं लेके आ रहा, किस रेशो में देंगे, सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस रेशो क्या है, 1:1, 1,08,000 को आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 54,000 एंड 54,000। ओके, इट इज क्लियर फॉर यू। देखो आपको अच्छी तरह कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, केवल अब कल ही एक दिन और देंगे हम इस टॉपिक को, बस लास्ट डे, और ये टॉपिक फिर कंप्लीटेड हो जाएगा, और आपके इस लेसन के दो टॉपिक नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपका होमवर्क, इलेशन नंबर 1244, 1 से 44 तक के इलस्ट्रेशन मींस आपके कंप्लीट होने चाहिए आपकी प्रैक्टिस नोटबुक में। डे बाय डे आप अपना वर्क कीजिए, जितने दिए जाते हैं आप अपना इलस्ट्रेशन कीजिए, एक्सरसाइज टिल 44 तक आपकी फेयर नोटबुक में कंप्लीट हो जाने चाहिए। आई होप दैट 1 to 44 तक कंप्लीटेशन हो जाने चाहिए। फिर एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर, रिपीट अगेन एंड अगेन, 9416586639, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑफ 1 to 45 एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।